हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद गुलफाम। आप देख रहे हैं आइडियल इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में एसएमडी कंपोनेंट के बारे में बताने जा रहा हूं मैं आपको। ये पार्ट है आपका रजिस्टर, ये ब्लैक कलर का होता है। दोस्तों रजिस्टर बहुत टाइप के होते हैं मोबाइल में, छोटे बड़े। ये देखिए रजिस्टर है, ये ब्लैक कलर के। ये देखिए और लगे हुए हैं। ये देखिए एक ओल्ड पीसी भी है, इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रजिस्टर है। ये सोल्डिंग एरिया होता है इसका, ये जुड़ा हुआ रजिस्टर है, कंबाइंड रजिस्टर भी कहते हैं इसको, या कपलर, कपल रजिस्टर भी बोलते हैं इसको। ये देखिए दो रजिस्टर आपस में कंबाइंड है, ये पैक रजिस्टर भी बोल देते हैं इसको कुछ लोग। रजिस्टर है ये देखिए एक और रजिस्टर, ये देखिए ये है कोड रजिस्टर, काफी बड़े साइज का था ये। ये देखिए एक और रजिस्टर, इस रजिस्टर को फ्यूज रजिस्टर कहा जाता है। ये देखिए एक और रजिस्टर, कुछ कोड लिखा हुआ है R200, कोड रजिस्टर है ये। ये देखिए एक और कोड रजिस्टर, ये भी एक रजिस्टर। इन सब का वैल्यू अलग अलग होता है। ये भी एक कोड फ्यूज रजिस्टर है ये छोटे छोटे माइक्रो रजिस्टर, एसएमडी रजिस्टर भी कहते हैं इसको। फ्यूज रजिस्टर, इसको ऊपर लगी हुई रिंगर आईसी। एक और कोड रजिस्टर, दोस्तों ये है आपका पोलराइज कैपेसिटर, ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर है, इसको एनपीसी भी कहते हैं। ये ब्राउन कलर का होता है। एनपीसी लाइट ब्राउन कलर में और डार्क ब्राउन कलर में भी होता है। अभी आप देख रहे हैं ये डार्क ब्राउन है, ये देखिए बहुत लाइट कलर है इसका। ये है ट्रांजिस्टर, कुछ लोग ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं इसको। 3 पिन होता है इसका, दो तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, एनपीएन और पीएनपी। सेमेस्टिक डायग्राम से हम पता लगा सकते हैं, चेकिंग से भी पता लगा सकते हैं। ये देखिए एक और ट्रांजिस्टर,
ये देखिए एक और लगा हुआ है, इन सबको ट्रांजिस्टर कहते हैं। थ्री पिन होती हैं इसके अंदर। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, इसको कहते हैं डायोड। इसमें दो पिनें होती हैं। और ये एक लाइन होती है इसके ऊपर, ये वाला हिस्सा पॉजिटिव होता है। ये देखिए दो और डायोड हैं ये। ये लाइट सेक्शन में लगा हुआ डायोड है। ये एक और डायोड, ये देखिए छोटा सा एक डायोड। डायोड दोस्तों ये है फ्यूज, ये ओल्ड पीसीबी में आता था, अब नहीं आता है। एक पीसीबी और दिखाता हूँ आपको, उसमें भी ये लगा हुआ है। इसके ऊपर के लिखा हुआ है, ये चार्जिंग के सेक्शन में लगा हुआ पार्ट है, फ्यूज कहते हैं इसको। ये देखिए एक और फ्यूज है जिस पे एन लिखा हुआ है। अगला पार्ट है आपका आरएफ क्रिस्टल। पूरा स्टील का सा होता है। ये है आपका आरटीसी क्रिस्टल। एक और आरएफ क्रिस्टल नेटवर्क सेक्शन में लगा हुआ होता है। कुछ लोग इसको स्टील वाला क्रिस्टल भी बोल देते हैं। एक और आरएफ क्रिस्टल, ये है आपका कॉइल, ब्लैक कलर की कॉइल बोलते हैं इसको। मोबाइल में दोस्तों बहुत तरह की कॉइलें मिलेंगी आपको। ये देखिए ब्लैक कलर की कॉइल है ये। ये देखिए एक और कॉइल, ये देखिए दो रंग वाली कॉइल, इसमें टू कलर हैं। ये और भी कलर में मिलती है। ये देखिए ब्लैक कलर की कॉइल, ये देखिए दो कलर वाली कॉइल। और ये है वायर वाली कॉइल, इसमें तार दिखेगा आपको। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए वायर वाली कॉइल कहते हैं इसको। ये देखिए एक और कॉइल है, इस कॉइल के ऊपर डॉट बना हुआ होता है और ये कलर्ड होती है कॉइल। कहीं पे आपको वाइट दिखेगी, कहीं पर ये ब्लू कलर की दिखेगी। ये देखिए टू कलर में है कॉइल। ये भी एक कॉइल है, डॉट लगा हुआ है इसके ऊपर और ये ब्लू कलर में है।
ये देखिए वायर वाली कॉइल, और ये छोटी छोटे दो और ब्लैक कॉइल, बूस्ट कॉइल इसको कहते हैं, बूस्ट कॉइल। बूस्ट कॉइल है, डिफरेंट डिफरेंट शेप में है आती है ये कॉइल। ये देखिए जुड़ा हुआ कॉइल है, कपल कॉइल बोलते हैं इसको, दो कॉइल चिपका हुआ है आपस में, पैक है, इसको कपल कॉइल बोलते हैं। डिस्प्ले कनेक्टर, कैमरा कनेक्टर के आसपास लगी होती हैं ये। ये है बक कॉइल, आजकल लेटेस्ट मॉडल इसमें आ रही है ये कॉइल। अभी जो पीसीबी देख रहे हैं आप, सैमसंग A50S की है ये, और एक और बक कॉइल। दोस्तों आज आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। ये सब कॉइल हैं, बूस्ट कॉइल। ये देखिए एक और कॉइल दोस्तों, एक और पार्ट आजकल न्यू आया हुआ है, इसको बोलते हैं LDO। ये देखिए एक और, LDO, ये MI का Redmi Note 6 Pro मॉडल है, ये Samsung का A50s मॉडल है, इसमें ये LDO लगा हुआ है। ये एक और लगा हुआ है, एक और पार्ट आता था पुरानी पीसीबी में, इसको बोलते थे फिल्टर, बैंड पास फिल्टर। नेटवर्क सेक्शन में लगा हुआ होता था ये, ओल्ड पीसीबी में इस तरह से आते थे, प्रेजेंट टाइम में भी आते हैं। वीडियो में बने रहिए, आप देखिए, ये देखिए प्रेजेंट टाइम में आपको इस टाइप से मिल जाएंगे। इसको नेटवर्क फिल्टर या बैंड पास फिल्टर भी कहते हैं।